हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बुआ की रेसिपी में। तो आज मैं आप सबके लिए एक मीठी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को रसगुल्ला कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ। चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने रसगुल्ले बनाए हैं, कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं ये आप देख सकते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए हमें सबसे पहले पनीर चाहिए, तो पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे दूध रख दिया और इसको उबालेंगे थोड़ी देर। पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर लिया है और थोड़ा सा इसमें पानी मिलाया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी क्या रखनी है। दूध में अब उबाल आ चुका है और अब हम विनेगर को इसमें ऐड कर देंगे और इस तरीके से चलाते रहेंगे। गैस अभी हमने बंद नहीं किया है, गैस अभी हमारा स्लो है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें विनेगर डालेंगे और इस तरीके से चलाते रहेंगे। थोड़ी ही देर में इसमें से पनीर अलग हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा पनीर बिल्कुल अलग हो चुका है। पनीर अलग होने के बाद हम इसमें से पनीर को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने एक छन्नी रख दी है और इसमें से पनीर को हम अलग कर लेंगे पूरा। अब हम पनीर को थोड़ा सा धुल देंगे पानी से, ताकि इसमें विनेगर की ज़रा सी भी स्मेल ना हो। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम धुल देंगे इसको। आप नींबू से भी पनीर बना सकते हैं, बट हमने यहाँ पे विनेगर यूज़ किया है। विनेगर से बहुत ही जल्दी फट जाता है दूध। ये देखिए, धुल लिया हमने इसको अच्छे से और इस चम्मच की हेल्प से इसको दबा करके इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको निचोड़ दिया है और 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे। बीस मिनट बाद हमने एक थाली में इसको निकाल लिया और इसको बहुत ही स्मूथ बनाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में, हाथों की हेल्प से इस तरीके से इसको स्मूथ बना लेंगे बिल्कुल। ये देखिए, अब बिल्कुल ये स्मूथ बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, बहुत छोटा चम्मच है, उससे एक चम्मच हमने इसमें मैदा डाल दिया है और इसको फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे इसमें। मैदा डालने के बाद चुटकी भर हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसको मिला देंगे अच्छे से। छेने को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है और पैन में मैंने पानी डाल दिया है। गैस ऑन कर देंगे। आप जितना जूस रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने चीनी ली है और चीनी को हम इसमें डाल देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। इसको एक बार चला देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि ये बॉईल हो। ये देखिए, अच्छा खासा ये गरम हो चुका है, फ्लेम हाई है हमारा।
और अब हम इसमें बॉल्स बनाकर इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने जो पीसेस कट करके रखे थे इसका हम बॉल बनाएंगे और एक एक करके उबलते हुए पानी में हम इसको डालते जाएंगे। ये देखिए सारे बॉल्स हम बनाकर इसमें डाल रहे हैं एक एक करके। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इसमें चम्मच से या किसी भी चीज़ से इन बॉल्स को छेड़ना बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप ही चारों तरफ अपने आप घूम घूम कर ये पकते रहेंगे। तो इन्हें हम 12 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए फ्लेम को हाई करके पकने देते हैं। ये देखिए जो रसगुल्ले हैं ऑलमोस्ट अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं। ये हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छुआ है किसी भी चीज़ से, ये अपने आप ही पक रहे हैं इसमें घूम घूम कर। तो आप ऐसे ही पकने दें इनको, बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। ये देखिए बिल्कुल डबल साइज़ के हो चुके हैं और कितने अच्छे से पक रहे हैं ये। जब ये पक जाएंगे तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए अभी हमारा रसगुल्ला ऑलमोस्ट पक चुका है, तो अब फ्लेम को हम थोड़ी ही देर में बंद कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको एक बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने के बाद आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए हमने सारे रसगुल्लों को एक बाउल में निकाल दिया है और निकालने के बाद देखिए कितने अच्छे रसगुल्ले बने हैं। तो आप भी जाइए और रसगुल्ले बनाइए, आज ही बनाएं, ट्राई कीजिए एक बार। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन भी चेक कर सकते हैं।